Hello, you know, this is your reporting from Earth and you are watching Mango Science. दोस्तों, हमने कभी सपने में सोचा था कि हम स्पेस में भी कभी कार भेज पाएंगे और मार्स पर हमारी बस्ती होगी, मार्स में भी हम स्पेस पे कार चला पाएंगे। और यही सपना स्पेसएक्स कंपनी साकार करने जा रही है। इलॉन मस्क का ये जो सपना है कि हम मार्स पे हमारी बस्ती बसे, इंसान वहाँ पे रहने जाए, वहाँ पे इंसान की बस्ती बसे, वहाँ पे इंसान कार चलाए, जैसे सारी जो कंपनीज जैसे हम अर्थ पे होते हैं, बिल्कुल सेम वहाँ पे भी हमारा एक बस्ती बसे, वहाँ पे भी हम सब कर सके। और इसलिए उन्होंने एक स्टेप अहेड उनके उस एक स्टेप आगे बढ़ाया है। उन्होंने इलॉन मस्क ने सोचा था एक कार को हम स्पेस पे लॉन्च कर दीजिए और मार्स पे भेजा जाए कि मार्स पे हम देखें कि कार किस तरह से एक्ट करती है, किस तरह से वहाँ के हैबिटेट में, वहाँ के क्लाइमेट में वो किस तरह का बिहेवियर दिखाती है। इसलिए उन्होंने सबसे पहली कार को टेस्ला कंपनी की से कार को मार्स पे भेज दिया है। उन्होंने स्पेसेस के फैल्कॉन हेवी रॉकेट का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस फैल्कॉन हेवी रॉकेट में क्या स्पेशलिटी है और उस फैल्कॉन हेवी रॉकेट किस तरह से इस 1351 केजी के कार को इस स्पेस में लेके जाने का कारनामा किया है। तो सबसे पहले फैल्कॉन हेवी जो है माना जाता है कि इस समय में दुनिया में सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक है। उसमें उसके पहले जो सबसे पावरफुल रॉकेट था आज तक का वो था नासा का सैटर्न 5, लेकिन अब फैल्कॉन हेवी दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट माना जाता है। फैल्कॉन हेवी की स्पेशलिटी उन्होंने ये रखी थी, उन्होंने चाहा था कि जो फैल्कॉन हेवी की जो रॉकेट के जो पार्ट्स होते हैं जो हम बाद में फ्यूल खत्म होने के बाद छोड़ देते हैं, उसे वो रियूज करना चाहते थे, वो उसे वेस्ट नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो उनमें थ्री पार्ट्स थे उसमें से जो दो बूस्टर्स थे, थ्री बूस्टर्स थे, तीन बूस्टर्स में से जो साइड टू बूस्टर्स थे उस साइड टू बूस्टर्स को सक्सेसफुली उन्होंने लैंड कर दिया फ्लोरिडा में। एंड जो मेन कोर बूस्टर था उन्होंने वो प्लान किया था कि अटलांटिक ओशियन में ड्रोन शिप पे वो उसे अनसक्सेसफुल हो चुका है। एंड अब हम इंजन की बात करें हेवी फैल्कॉन हेवी की, तो उसमें उसके इंजन की स्पेशलिटी है कि उसमें 27 इंजन्स है। सो हम कह सकते हैं कि फैल्कॉन हेवी एक मॉन्स्टर है। उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो आराम से किसी भी पेलोड को लेके जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैंगो साइंस को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस, ताकि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। अगर आपको आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा कोई वीडियो हम बनाएं आपके कोई टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। It actually really doesn't look real. It's crazy. It's like somebody used to work in the CGI here.